नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे हैं, बहुत खुश है, स्वस्थ है और आपका बर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। आज हम एक नए वीडियो लाए हैं अमेज़ॉन के बारे में और उन लोगों का खाने पीना या कितना स्पीशीज़ होता है, उन लोग का मेडिकेशंस और उन लोग का ख्याल करना, ये सब वगैरह 8 चीज़ हम लाए हैं आज शेयर करने वाले हैं आप लोगों से। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न बर्ड कहाँ पाए जाते हैं और इसका प्राकृतिक वास कहाँ है? अमेज़न पैरेट मेक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरेबियन के कुछ पार्ट्स में पाए जाते हैं। जंगली जो अमेज़न पैरेट होते हैं उनका वास होते हैं सवानास, पाम ग्रोव्स, झाड़ीदार जंगल और रेन फॉरेस्ट। डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। एक अनुमानिक अमेज़न का 35 स्पीशीज होते हैं और जिसमें से 10 से 12 स्पीशीज पेट या हम लोग पालते हैं। फिलहाल अभी और ज़्यादा स्पीशीज हम लोग पालने लगे हैं। अमेज़न का वेट तकरीबन 190 ग्राम से 565 ग्राम तक होते हैं और इनका एवरेज बॉडी टेम्परेचर होते हैं 41.8 डिग्री सेल्सियस या 107.1 फ़ारेनहाइट। अमेज़न का हार्ट बीट्स या हार्ट रेट्स तकरीबन 340 से 600 बीट्स पर मिनट होते हैं, जो 15 से 45 ब्रेथ या सांस पर मिनट होते हैं। तो चलिए देखते हैं अमेज़न का 35 कौन कौन सा प्रजाति है। ज़्यादातर अमेज़न पैरेट नहाना पसंद करता है। ये वाटर बाउल के ऊपर जंप लगाता है और पानी छिड़कना भी पसंद करता है। नहाने इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है इनके फेदर्स हेल्थ के लिए। अमेज़न पैरेट ज़्यादातर सीड्स, नट्स, फ्रूट्स, बेरीज, फूल या पत्ते खाते हैं। इनके चोंच बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये लोग अपने पैरों से खाना पकड़ के खाते हैं। कैप्टिविटी में ये लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से खाते हैं, जिसमें से होता है बॉयल्ड स्वीट पोटैटो, गाजर, बीन्स, पीज, एप्पल
और भी बहुत कुछ खाते हैं ये लोग। अमेज़न पैरेट का सबसे कॉमन प्रॉब्लम है मोटापा। ये बहुत जल्दी मोटा हो जाते हैं, इसलिए ओनर्स लोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है इनके खाने के क्वांटिटी और कौन सा खाना दें। अमेज़न पैरेट का डिजीज़ जैसे पोलियोमा वायरस, क्लाइमेडाइसिस और विटामिन ए डिफिशियंसी होते हैं, जिनका बहुत ही ख्याल करना पड़ता है और हाइजीन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। अमेज़न एक बहुत ही इंटेलिजेंट पैरेट है और ये बहुत अच्छा बात या कम्युनिकेट कर सकता है। कैप्टिव में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं अपने केज या एवियरी में। इनको अगर केज में रखे तो बहुत सारा खिलौना देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, जिनके लिए इनका बिहेवियर में समस्या आ सकता है। और ये पैरेट बहुत खेलना पसंद करता है और ये पैरेट प्रजाति में ऐसा बर्ड है जिनका मूड हमेशा आराम से किसी को भी पता चल सकता है कि ये क्या बोलना चाहते हैं। ये अपना बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ इशारा कर सकता है, जो बहुत ही इजी है समझने के लिए। अमेज़न पैरेट सबसे अच्छा बोलने वालों में से एक पैरेट है पूरा पैरेट वर्ल्ड में। ये लोग बहुत गाना पसंद करता है और म्यूजिक भी। अमेज़न पैरेट बहुत शब्द या फ्रेजेस बोल सकते हैं या कॉपी करने में भी बहुत एक्सपर्ट है। कुछ समय ऐसा सुबह और शाम ये लोग बहुत ही नॉइजी हो सकता है, और अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये लोग तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है। अमेज़न पैरेट वर्बली बात करता है या कम्युनिकेट करता है। स्पीसीज जैसे ऑरेंज विंग अमेज़न 9 तरीके का रिकॉर्डेड वोकलाइजेशन यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। वाइल्ड में अमेज़न का ब्रीडिंग एज उतना प्रिसाइजली पता नहीं है, मगर जो बर्ड्स कैप्टिव में रहते हैं उनका एवरेज ब्रीडिंग एज तकरीबन 4 साल होते हैं। थोड़ा बड़ा साइज़ का जो अमेज़न है, जैसे येलो क्राउन अमेज़न, उनको 6 साल लगता है ब्रीडिंग एज में आने के लिए। कैप्टिविटी में सुना जाता है कि 30 साल में भी ये लोग अंडा ले करता है। अमेज़न पैरेट ब्रीड करता है लेट विंटर और स्प्रिंग टाइम में, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर सीजनल ब्रीडर है, और ये क्योंकि इस टाइम फूड ज़्यादा अवेलेबल होता है और बारिश का संभावना भी कम होते हैं। वैसे कैप्टिव में इनका कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है, सारा साल कभी भी ये लोग ब्रीड कर सकता है। अमेज़न बर्ड तकरीबन 30 से 50 साल तक उसका लाइफ स्पैन होता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। कैप्टिव में अगर प्रॉपर तरीके से केयर और ट्रीटमेंट ये लोगों को मिलता है तो ये लोग और भी बहुत ज़्यादा साल जीते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत ही हेल्पफुल एक वीडियो था। आशा करते हैं इस टाइप का वीडियो हम और भी लाएंगे और ज़्यादा बर्ड्स के ऊपर लाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आप लोगों को हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और किसी भी चीज़ का अगर कोई दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो ज़रूर हमको कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और आप लोगों का बर्ड्स का भी बहुत बहुत ख्याल कीजिए। नमस्ते।